यह तेरा काम हमेशा दुनिया से छुपा कर करो। नंबर एक, अपनी खुशियों को शांति से सेलिब्रेट करें। नंबर दो, जो भी खरीदना है बिना शोर मचाए खरीद लाओ। नंबर तीन, किसी को प्यार बिना किसी को बताए करें। नंबर चार, पसंदीदा लोगों के साथ ही जियो, बाकी तो टाइम बर्बाद करेंगे। नंबर पाँच, अपने नुकसान को भी प्राइवेट रखें, चुपचाप सहन कर लें। नंबर छः, अपने घर परिवार की बातें किसी से भी शेयर ना करें। अगर आप इसे शेयर करते हैं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। नंबर सात, लोग जानते हैं कि आप कितना कमाते हैं। आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखें, यह आपके लिए अच्छा होगा। नंबर आठ, यदि आपका सार्वजनिक रूप से अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। याद रखें, आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे। नंबर नौ, मन में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिसको जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़ा कर सकते हैं। बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होता है। नंबर दस, यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र को गोपनीय रखें, इससे आपको ज्यादा लाभ होगा। नंबर 11, यदि आप किसी प्रकार की दवा खाते हैं तो उसे गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर तब तक रहता है जब तक वह गोपनीय रहती है। नंबर 12, यदि आपसे कोई बिना वजह आपकी आयु पूछ रहा है तो उसे कतई ना बताए। नंबर 13, आप जो भी दान करते हैं वह किसी को ना बताए, इसे गुप्त रखें, तभी इसका लाभ आपको मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि गोपनीय दान ही भगवान की नज़र में रहता है। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।